नमस्कार, BITDR में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बिजनेस के रिगार्डिंग ही चर्चा करेंगे कि बिजनेस कैसे हो सकता है, कैसे कैसे पॉसिबल है, क्या क्या संभावनाएं हैं। कई बार बहुत छोटी चीज़ें भी होती हैं जो आपके को ट्रांसफॉर्म कर देती हैं, एक बड़े बिजनेस का रूप दे देती हैं। इसी से संदर्भित आज चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम इस अपनी बात को आगे बढ़ाएं, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही अगर ये कहानी आपको या ये वक्तव्य पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज अपन चर्चा शुरू करते हैं कि बिजनेस किस किस रूप में हो सकता है, कैसे कैसे उसकी संभावनाएं हो सकती हैं और कैसे लोगों को ये ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, ये कहानी एक भिखारी की कहानी है। बहुत लोगों ने सुनी होगी, आपने भी सुनी होगी। अब आप ने अगर सुनी है तो कोई बात नहीं, फिर से सुन लीजिए, मेरे नज़रिए से सुन लीजिए, मेरे नज़रिए से देख लीजिए। ये कहानी एक भिखारी की है। एक भिखारी था, वो ट्रेनों में घूम घूम के स्टेशनों पे, बस स्टैंड पे भीख मांगा करता था। रोज की रूटीन की तरह हुआ, एक दिन एक ट्रेन में भीख मांगने गया। वहाँ पे जैसा होता है भिखारियों के साथ कि लोग बढ़ा देते हैं, आगे बढ़ो, कोई धक्का दे दिया, किसी ने दुरदुरा दिया, चिचिया दिया, किसी ने अपना खाया हुआ आधा जूठा दे दिया, किसी ने कुछ कर दिया, और भिखारी लेके आगे बढ़ता रहा। और थोड़े दूर बाद ही एक उसको एक बड़ा सा जेंटलमैन टाइप का आदमी दिखा, धोती कुर्ता लगाए हुए, बढ़िया सा, गले में सोने की चेन, हाथ में बढ़िया ब्रेसलेट वगैरह सोने का, इस तरह का देखने से ही पैसे वाला दिख रहा था। हाथ में अच्छा महंगा मोबाइल था, तो इसको उम्मीद जगी कि ये जरूर दे देगा, क्योंकि अक्सर ऐसे लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते और एक दो रुपया पाँच रुपया दे देते हैं। तो वो गया, उससे भी उसने कहा ईश्वर के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो। लेकिन उस व्यापारी ने उसको एक ऐसी बात कह दी कि उसके दिल पे लग गई। वो बात क्या थी? उसने उससे कहा कि मैं तुमको भीख क्यों दूँ, दिखने में तो हट्टे कट्टे दिखते हो। इसके पास कोई जवाब नहीं था। बोला साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, खाने को नहीं है, ये है वो है। और तो बोले कुछ काम करो। तो उसने बोला मैं क्या काम करूँ, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। तो उसने कहा देखो मैं ये सब बहस में नहीं पढ़ना चाहता और मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकता। मैं इतना बस जानता हूँ कि यदि तुम मुझे कुछ दे दो तो मैं उसके बदले में तुम्हें कुछ दे दूँगा, मगर मैं किसी को भी बिना मेहनत के फोकट में कुछ भी नहीं देता। अब इस भिखारी को इस बात का कुछ समझ में नहीं आया, क्या जवाब दूं, क्या करूं। लेकिन उसने एक ऐसी बात कह दी कि मुझे कुछ भी लाके दे दो तो मैं तुमको उसके बदले में कुछ दे दूंगा। एक छोटे से स्टेशन पे वो ट्रेन उसी बीच रुकी। भिखारी ने देखा बाहर, तो वहां पे ऐसे ही जंगली फूल कुछ लगे हुए थे, उसको कुछ सूझा नहीं, वो उतर के गया। वहाँ से उसने कुछ चंपा चमेली जैसे कुछ जंगली फूल ऐसे ही तोड़ लिए और लाके उस व्यापारी को दे दिए। बोले साहब ये फूल रख लीजिए। व्यापारी ने फूल देखा, बड़ा खुश हुआ, अच्छी खुशबू भी आ रही थी उसमें। उसने उसके बदले में उसको 5 रुपये दे दिए और उसने साथ में कहा कि जब तुम अभी कर सकते हो तो हमेशा क्यों नहीं करते, क्यों इस तरह से लोगों की बातें सुनते हो, क्यों इस तरह से लोगों की गालियां सुनते हो, जूठा खाते हो, बासी खाते हो। अरे कम से कम अपने मनपसंद की ज़िंदगी जियो, कम ही खाओ लेकिन अच्छा खाओ, अपने मनपसंद का खाओ, कम स्वादिष्ट होगा लेकिन अच्छा होगा। लोगों की बातें तो नहीं सुननी पड़ेंगी। ये बात सुन के वो व्यापारी अपना चला गया, अपने रास्ते चला गया और ये भिखारी अपने रास्ते चला आया। लेकिन इसके मन में ये बात घर करती रहेगी उसको, क्योंकि आज जीवन में पहली बार उसने 5 रुपए ऐसे कमाए थे जो कह सकता है कि वो उसकी मेहनत के थे या उसके श्रम के थे या उसके क्या कहना चाहिए, व्यापार से आए थे। अभी तक वह भीख मांगता था, लोगों की दया पर जी रहा था। आज पहली बार वह अपने अहंकार के साथ खड़ा हुआ, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खड़ा हुआ। उसको जो फीलिंग हुई उसको मैं आपको बयान नहीं कर सकता, लेकिन उस भिखारी ने उस फीलिंग को पकड़ लिया। उसने सोचा कि मैं और क्या करूं, कल इससे बेहतर करना है मुझे।
और उसके बाद वो भीख नहीं मांग सका, वो उतर गया ट्रेन से और घर चला गया, सोचते चला गया कि इस 5 रुपये का मैं क्या करूँ। 5 रुपये ऐसे तो साहब कोई बड़ी रकम नहीं होती, लेकिन उसने जाते आते में देखा कहाँ कहाँ पे और फूल लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ से वो आराम से उठा सकता है फूल। उसने कल की प्लानिंग आज ही लौटते समय बना ली और दूसरे दिन वो एक थैला लेके उस फूल को उसमें कलेक्ट करता हुआ चला। अब चूंकि वो अपने आप को एक सम्मानित व्यक्ति जैसा महसूस कर रहा था, इसलिए उसने अपना गेटअप भी थोड़ा चेंज किया, थोड़ा कंघी की, दाढ़ी बनाई, थोड़ा सा कपड़े अच्छे साफ पहने, पुराने ही फटे ही पुराने थे लेकिन साफ थे, और उसको लेके बगल में एक थैला टांग के एक साफ थैले में उसने ढेर सारे फूल भरे और उसको लेके वापस ट्रेन में चढ़ गया। और फिर लोगों से कहने लगा कि लीजिए साहब मैं आपके लिए फूल लाया हूँ, फूल लीजिए, बहुत बढ़िया है, ये खुशबू है, फलाना फूल है, टिकाना फूल है, चंपा है, चमेली है, गुलाब है, गेंदा है, और जो भी उसके पास फूल उपलब्ध थे उसने भांति भांति के फूल बताए। कुछ फूल तो ऐसे थे जो वास्तव में जंगली फूल थे, जिनके लोगों को नाम भी नहीं पता थे लेकिन उस भिखारी को पता थे, और वो बार बार बोल बोल के कि हाँ ये फलाना फूल है, ये फलानी जगह पाया जाता है, ऐसा लोगों को बताने लगा। उस ट्रेन में बहुत सारे परिवार बैठे थे, उनके साथ बच्चे भी थे और महिलाएं भी थी, उन लोगों को बड़ा आकर्षक लगा कि हाँ ये फलाना फूल है, अच्छा ये ढिकाना फूल है, तो भैया ये दे दो, ये कितने का है, वो कितने का। तो शुरुआत में उसको भाव का भी कुछ अंदाज नहीं था, तो उसने बहुत सारी जगह पर तो कोई भाव तो ही नहीं किया, जो देना है दे दो। तो लोग और खुश हो गए, किसी ने 5 दिया, किसी ने 10 दिया, किसी ने 20 दिया। इस तरह से उसने देखा कि शाम होते होते तक वो जो फूल उसने उपक्रम करके जुटाए थे उनकी कमाई लगभग 400-500 रुपये हो गई थी। सो बड़ा अच्छा लगा, बोले यार इतना लोगों ने सम्मान के साथ मेरे को ये किया तो इसको मैं थोड़ा सा और अच्छा रूप देता हूँ। अगले दिन वो फिर उसी तरह से फूल लेके आए, लेकिन इस बार थोड़ा बात अलग थी। अब उसको ये भी समझ में आया कि फूल एक देने में भी फायदा है और कई फूल एक साथ देके, कई फूलों को ऐसा सजा के गुलदस्ते की तरह प्रस्तुत करने में भी अच्छा मजा है और लोग अच्छा पैसा देते हैं। तो अब उसने इसको इस तरह से बढ़ा लिया। अब देखिए साहब, ये तो मैंने आपको 2-3 दिन की बात बताई, इसके बाद यह घटनाक्रम बार 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 रिपीट होता गया, उसका स्किल डेवलप होता गया, वो नई नई चीज़ें उसमें सोचता चला गया कि ऐसा बना लूँ, वैसा बना लूँ। फिर उसको और भी जगह मिलती गई कि सुबह ट्रेन में चले जाऊँ, शाम को मंदिर के पास चले जाऊँ। उसका व्यापार धीरे धीरे करके एक रूप लेने लगा, उसको वो जंगली फूल या इधर उधर से मुफ्त के फूल कम पड़ने लगे, तो उसने फूलों को खरीदना भी शुरू कर दिया। वह आसपास के शहरों में उसी ट्रेन से जाता था और ढूंढता था कि कहां कहां पे हमको फूल सस्ते मिल सकते हैं और खरीद के उसको बेचने लगा। इस तरह से धीरे धीरे करके उसका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करने लगा। और एक दिन की घटना हुई कि ऐसे ही वह ट्रेन में चढ़ा था, उसके पास कुछ अलग अलग तरह के बुके थे, कुछ खुले फूल थे और वो कुछ अलग अलग स्पेशल रेयर स्पीसीज थी, उनको लेके वो चल रहा था। तो वहाँ देखा उसने एक सज्जन बैठे हुए, उनको देख के वो ठिठक गया। वह इसलिए ठिठक गया क्योंकि ये वही व्यापारी था जिसने उसको पहली बार उसको ये कहा था कि मैं तुमको बगैर किसी चीज़ के बदले में कोई पैसा नहीं दूंगा। ये उसके बगल में गया, सर नमस्ते। उसने कहा हाँ नमस्ते भाई, बताओ। बोले मैं फलाना फलाना व्यक्ति हूँ। बोले हाँ, तो बोले आपने मुझे पहचाना नहीं? उसने बोला नहीं पहचाना। बोले मैं वो व्यक्ति हूँ जिसको आपने आज से कुछ महीना पहले बड़ी बेरुखी से धुतकार दिया था, क्योंकि मैं आप उस समय आपसे भीख मांगने आया था, लेकिन आपने साथ में मुझे एक प्रेरणा का वाक्य दिया था कि यदि तुम मुझे कुछ ऐसी चीज़ दो जो मुझे अच्छी लगे तो मैं तुमको ज़रूर कुछ पैसे दूंगा जो तुम्हें अच्छे लगे, और मैंने इसी सूत्र को पकड़ के उस दिन आपको कुछ फूल लाके दिए थे जिसके बदले में आपने मुझे कुछ पैसे दिए थे। तो व्यापारी बोला अच्छा 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 हाँ, फिर क्या हुआ? तो उसने बताया कि फिर मैंने उस व्यापार को ऐसा बढ़ा लिया है और आज मैं इस शहर के नामी गिरामी फूलों के व्यापारी के रूप में जाना जाता हूँ। मेरी अपनी एक पक्की दुकान है जहाँ पे होलसेल में फूल आते हैं बाहर से, बहुत सारे लोग फूल भेजते हैं हम लोगों को और हम लोग उनको अगेन गुलदस्ता वगैरह बना के और मंदिरों में और ट्रेनों में ऐसा भेजते हैं। और मैं खुद भी अभी तक इस ट्रेन में इसीलिए घूम रहा था कि आपसे क्या पता कभी मुलाकात हो जाए। और आज
आपसे मुलाकात हो गई तो मैं धन्य हो गया। उसने उसके पैर वर छुए और बोले ये गुलदस्ता आप मेरी तरफ से रखिए। उस व्यापारी ने भी उसको बहुत आशीर्वाद दिया। फिर उसने कुछ जो भी पैसों का लेन देन हुआ होगा, जो भी हुआ होगा, वो एक बात है, लेकिन मुख्य बात यह है कि वो व्यक्ति उस एक झिड़काव से, एक प्यार भरे संदेश से परिवर्तित हो गया और उसने एक मैसेज भी दिया कि आदमी यदि चाहे तो छोटी सी छोटी चीज, छोटी सी छोटी बात भी व्यवसाय में परिवर्तित हो सकती है, व्यवसाय का रूप ले सकती है और आप अपने सम्मान, आत्मसम्मान के साथ जी सकते हैं। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि यह कहानी आपको कैसे लगी और आपको क्या ऐसा याद आया इस कहानी के साथ कि आप कैसे अपने आत्मसम्मान के साथ जिएं, कैसे अपना व्यापार शुरू करें, इसके बारे में मुझे कमेंट करके, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो फिर हम शीघ्र आपसे मिलते हैं, आपसे इजाजत लेता हूं, वंदे मातरम।